पिछले कुछ साल से कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और हाल ही में खत्म हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शीर्ष नेतृत्व का बचाव करते हुए कहा कि आंतरिक कलह ने पार्टी को हिलाकर रख दिया है, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे यदि हम लोग ही अंदरूनी स्तर पर पार्टी को कमजोर करते रहेंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि CWC का ही ये फैसला था कि चुनाव होने तक सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखना चाहिए। पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से शीर्ष नेतृत्व की आलोचना किए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के बारे में और हमारे नेताओं के बारे में बोलते देखना तकलीफदेह है। बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चुनावों में खराब होता जा रहा है और जिसके बाद से एक के बाद एक पार्टी के अंदर से ही बगावती तेवर और बगावती बयान निकलकर सामने आते रहे हैं। इस बार भी जब बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है तो उसके बाद कई बयान सामने आए, जिसमें कपिल सिब्बल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हार को ही अब नियति बना ली है। कपिल सिब्बल का बयान आने के बाद से ही पार्टी के अंदर से दो तरह की विचारधारा निकलकर सामने आ रही है। कपिल सिब्बल ने शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा था तो वहीं अब शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल को बचाने के लिए भी कई नेता उनके समर्थन में आए हैं। इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि अगर पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान देता है तो वो तकलीफ दे है, जो पार्टी कोई अंदरूनी कलह को दर्शाता है और इससे पार्टी अंदर से हिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दोष देना ठीक नहीं होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरवी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरवी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। आरवी उपाध्याय जी, जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस के अंदर से ही जो बयान सामने आ रहे हैं, अब उसके बाद से जो शीर्ष नेतृत्व उनके समर्थन में भी बयान सामने आ रहे हैं। कपिल सिब्बल का बयान सामने आया तो उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया है कि शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठाना ठीक नहीं है और अंदरूनी कलह को इस तरह से सामने लाना भी ठीक नहीं है वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। लेकिन ये क्यों नहीं देखा जा रहा है कि वरिष्ठ नेता जो कह रहे हैं, अगर कोई कुछ बयान दे रहा है तो उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या उसमें कुछ हकीकत है, वो सही है या नहीं, अगर नहीं तो फिर क्या बोलना चाहिए, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनना भी तो चाहिए पार्टी के अंदर। देखिए भानु जी, ये कांग्रेस की कमजोरी की निशानी है जी। जब शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है तो आलोचना भी होती है और जहां आलोचना होगी तो कुछ समर्थक भी होते हैं जी, वो उसको जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे जो वास्तविक स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है जी। अच्छा ये होता है कि जो वास्तविक स्थिति है उसको स्वीकार किया जाए और उसमें बदलाव के लिए प्रयास किए जाएं, उस पर मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। ये बात अलग है कि सार्वजनिक मंचों पर या पब्लिक के बीच में या मीडिया में जी इस तरह के बयान आना किसी भी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता है। देखिए, घर में है, मान लीजिए कोई कमी है, आप घर में बैठ के उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मंथन कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस में हो क्या रहा है, हर नेता अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है और वो भी मीडिया में आके परिभाषित कर रहा है। मान लीजिए कपिल सिब्बल हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भी कांग्रेस में कमियां हैं, तो प्लेटफॉर्म है पार्टी के अंदर, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें और ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाएं उसके ऊपर। मान लीजिए घर में कोई बातचीत हो रही है और मीटिंग हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका समर्थन करेंगे तो जो घर का मुखिया है
उसको भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि भी इतने लोग कह रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ तत्व तो जरूर है। लेकिन इसके उलट आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, वो भी अपना सार्वजनिक या मीडिया के बीच में ये सब बातें कह रहे हैं कि भी मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ, विशेष नेतृत्व पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। देखिए सीखने के लिए बच्चे की सीख भी कहते हैं ना घर में, कहना बड़ों का कीजिए सिख बालक की, यानी सीखना बच्चे से भी सीखा जा सकता है। कुछ जरूरी नहीं है कि मलिक कपिल सिब्बल ने कहा है वो सब बेकार है या वो गलत है या वो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ है। कुछ चीजों पर बिल्कुल इन सब चीजों से इतर होकर पार्टी की भलाई के लिए उन सब चीजों पर गहन विचार विमर्श होना चाहिए, मंथन होना चाहिए कि भी इतनी बड़ी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका प्रदर्शन क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। कोई ना कोई तो रीजन है, कोई ना कोई तो कारण है, चाहे बिहार ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, पूरे आप देखेंगे देश में इस तरह का माहौल बन रहा है। जी बिल्कुल 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 आरबी उपाध्याय जी, ये भी सही बात है कि जो वस्तु स्थिति है, जो सही स्थिति है, उसको सुनना भी चाहिए और उस पर मंथन भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरबी उपाध्याय जी।